नमस्कार आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। आज जो हम आपसे बात या किस्सा शेयर करने जा रहे हैं वो है दिलीप कुमार साहब का और सायरा बानो जी का। मामला तुम सोचो, मामला सोचो, लेकिन अगर तुम इनकार कर दोगी ना तो भगवान ने तो मुझको बोल दिया, वो तो मुझे भस्म ही कर देंगे एकदम। कोई भस्म वसम नहीं करेंगे। अरे वो कर देंगे, तुम नहीं जानती उनको सीमा। तुम नहीं जानते, ये तो मेरी प्रार्थना का नतीजा है जो भगवान ने तुम्हारे मन में मुझसे शादी की बात डाल दी। ये तो स्वयं मेरी ही इच्छा थी। सच्ची? तो फिर उधर बेंच में बैठी बैठी इतना बंकस काहे को कर रही थी तुम? देखो बाबा, मैं तो पहले ही बोल देता हूँ, शादी से पहले ही बोल देता हूँ, मैं तो सीधा आदमी, एक लाइन पकड़ के चला तो चला मैं। हम जानते हैं कि इनकी शादी किस तरह हुई, लेकिन बात यह है कि वो कौन शख्स था जिसे दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो जी की शादी से बहुत परेशानी हुई, बहुत तकलीफ उठाई। आप सोच रहे होंगे कि राजेंद्र कुमार, क्योंकि राजेंद्र कुमार और सायरा बानो एक दूसरे को पसंद करते थे। क्या राजेंद्र कुमार थे? हम देखेंगे कौन था वो, लेकिन पहले कुछ बताएं कि दिलीप साहब शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि मधुबाला से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनके दोस्तों ने, बहनों ने, रिश्तेदारों ने ये मान लिया था कि अब दिलीप कुमार शादी नहीं करेंगे, ये तय था। लेकिन फिर नसीम बानो, जो सायरा बानो की माँ थी, उनके कहने पर और कुछ लोगों ने समझाया तो दिलीप साहब शादी के लिए फिर मान गए। और फिर शादी कैसे हुई ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तक दिलीप साहब रहे, सायरा जी ने उनकी खूब खिदमत की और इसीलिए ऊपर वाले ने, 22 साल छोटी थी सायरा जी, या 22 साल छोटी जब शादी हुई उस वक्त, क्योंकि ऊपर वाले को ये मंजूर था कि सायरा बानो दिलीप साहब की खिदमत करें। एक तवील ज़िंदगी दी थी, अब ये तो ऊपर वाले को मालूम होता है, क्योंकि कोई और होता तो या तो वो खुद बुज़ुर्ग हो जाता या दुनिया से चले जाता। तो सायरा जी का सिलेक्शन ऐसा किया ऊपर वाले ने, ये मेरा मानना है। खैर, इन दोनों की जोड़ी एक मिसाल रही। दिलीप साहब, ये और बात है कि सायरा जी को पहले बच्ची कहते थे, फिल्में तक नहीं करते थे उनके साथ। खैर, इनकी शादी हुई 11 अक्टूबर 1966, अमिताभ बच्चन साहब का बर्थडे होता है इस दिन, और 2 अक्टूबर 1966 को इंगेजमेंट हुई, आनंद फानंद में शादी हुई। अब आपको ये बताएं कि वो कौन शख्स था जो बहुत परेशान हुआ है, बहुत तकलीफ उठाई इन दोनों की शादी की वजह से। तो मेरे पीछे द ग्रेट प्राण साहब को आप देख सकते हैं, वो प्राण साहब थे दिलीप साहब के बेहद करीबी दोस्त। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राण साहब को क्या तकलीफ हो सकती है, प्राण साहब क्या मोहब्बत करते थे सायरा बानो से, ये क्या माजरा था, क्या दुश्मनी थी कोई दिलीप साहब से? तो दोस्तों, असल में प्राण साहब सतीश भल्ला, राज कपूर, दिलीप कुमार के बड़े गहरे दोस्त थे। प्राण साहब और दिलीप साहब ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, दिल दिया, दर्द लिया, मधु मती, आदमी, राम और शाम को कौन भूल सकता है, फिर आखिरी फिल्म धर्म अधिकारी 1986 के आसपास आई, उसके पहले दुनिया। दोनों पास में ही रहते थे, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस था। प्राण साहब अक्सर हफ्ते में 2-3 बार दिलीप साहब के पास जाया करते थे, गेम्स खेला करते थे ये लोग। दिलीप साहब की बहनें सईदा, अख्तर, सब दिलीप, प्राण साहब के घर जाया करती थी, उनकी वाइफ शुक्ला जी के पास। बड़ा घरेलू एक संबंध था, ये कह सकते हैं दोस्ती थी। अब साहब, जब दिलीप साहब की शादी फिक्स हो गई एकदम 11 अक्टूबर 1966 को, तो प्राण साहब उन दिनों कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे। दिलीप साहब ने फ़ोन उठाया और कहा कि प्राण, मेरी शादी है और तुम्हें आना है। आना है, गहरी दोस्ती थी। प्राण साहब ने सोचा यार कि कैसे पहुंचूंगा, उन दिनों कश्मीर में बारिश हो रही थी। खैर, वो किसी तरह से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे तो कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिल रही थी बॉम्बे की। वो परेशान कि रात में शादी है, करूं तो करूं क्या। उनके दोस्त थे दिल्ली में जो उन्हें छोड़ने आए थे एयरपोर्ट पर, स्वराज सूरी साहब। उन्होंने भी ये पूरा माजरा देखा। उसी वक्त इत्तेफाक से एयरपोर्ट पर 2 सरदार जी आए जो स्वराज सूरी साहब के दोस्त थे। प्राण साहब परेशान थे तो स्वराज सूरी ने सरदार जी से कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम बॉम्बे जा रहे हैं, इनमें से एक बॉम्बे जा रहे हैं और अभी टिकट है। तो उन्होंने कहा कि आप इतनी मदद कीजिए, प्राण साहब बहुत परेशान हैं, उन्हें दिलीप साहब की शादी में जाना है, बड़ी गहरी दोस्ती है,
अगर आप कुछ एडजस्ट कर लें तो वो सरदार जी फौरन मान गए और अपना टिकट प्राण साहब को दे दिया, अपना बोर्डिंग पास, और ये कहा फ्लाइट वालों से जाकर कि मुझे आप सुबह की फ्लाइट में टिकट दे दीजिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दोस्तों कि आप जाइए प्राण साहब, सरदार जी ने इतनी मदद की। और तब तक जो लगेज था वो जा चुका था प्लेन में, तो उन्होंने कहा कि आप ये मेरा लगेज का जो टैग है ले जाइए, मैं दिल्ली में आपसे, बॉम्बे में आपसे ले लूँगा। प्राण साहब खुशी खुशी चले गए थैंक्स बोलकर सरदार जी का, और पहुँच गए बॉम्बे। लेट हो रहे थे और उन्होंने लगेज नहीं लिया, सरदार जी का जो लगेज था भूल गए, क्योंकि देर हो रही थी शादी में जाने के लिए। फौरन घर गए, नहाए, रेडी हुए और दिलीप साहब की शादी में पहुंच गए और वहां इंजॉय किया। सारे दोस्त इंतज़ार कर रहे थे, दिलीप कुमार, राज कपूर, मैंने आपको बताया, सब छेड़ रहे थे दिलीप कुमार को, क्योंकि आखिरी मौका था, फिर तो दोस्त की शादी होने वाली थी। खैर साहब शादी हुई, खूब इंजॉय किया। प्राण साहब सो गए, भूल गए लगेज सरदार जी का। दूसरे दिन एयरपोर्ट से फ़ोन आया कि प्राण साहब वो लगेज, इधर सरदार जी का फ़ोन आ रहा था। बीवी ने बताया प्राण साहब को कि सरदार जी का फ़ोन आ रहा है, लगेज आप ले आए। प्राण साहब दौड़े भागे गए एयरपोर्ट और लगेज लेकर आए, कह रहे मैं ये शादी के चक्कर में भूल ही गया कि जिस इंसान ने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया उसका लगेज लाना है। गए, लगेज लाया और फिर सरदार जी को दे दिया। तो दोस्तों ये कहानी थी, किस्सा था, जो खुद प्राण साहब की किताब में मौजूद है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। इतनी तकलीफ उठाई प्राण साहब ने, इतने परेशान हुए, लेकिन अपने दोस्त यूसुफ की शादी में पहुंचे कश्मीर से दिल्ली होते हुए बॉम्बे। और इन लोगों ने कितनी फिल्मों में साथ काम किया ये बताने की ज़रूरत नहीं। और जब दिलीप साहब की इंगेजमेंट हुई तब भी प्राण साहब मौजूद थे, शादी में तो मैंने आपको बताया ही किस तरह से पहुंचे। और जब दिलीप साहब की शादी हुई तो वो फिर मद्रास चले गए सायरा बानो के साथ। क्यों? क्योंकि शूटिंग होनी थी राम और श्याम की, और राम और श्याम में हम जानते हैं दिलीप साहब के साथ प्राण साहब भी थे। तो प्राण साहब फिर हनीमून जो ये मनाने गए और फिल्म की शूटिंग वहाँ भी पीछे पीछे चले गए। ऐसी दोस्ती थी महान दिलीप कुमार और ग्रेट प्राण साहब की। तो दोस्तों एक ये किस्सा था मज़ेदार, जो हमें प्रेरणा भी देता है। ऐसे और भी किस्से आपके लिए लेकर आता रहूँगा, कहाँ, यहीं फिल्मी फराज चैनल पर। और अब आप लोगों को शुक्रिया कहने का वक्त, संजय पाटिल साहब ने हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की है, रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की। साजिद खान साहब ने तारीफ़ की है, जो हमने कार्यक्रम बनाया बलराज साहनी जी के ऊपर। आपका प्यार हमें मिलता रहे, हम ऐसे कार्यक्रम बनाते रहेंगे। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़।